संसद भवन से बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा हटाने पर आक्रोश, अंबेडकरवादी संगठनों ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। विश्व आदिवासी दिवस पर नगर में निकाली गई विशाल रैली, हुए विभिन्न आयोजन। नाग मंदिर में हुई नाग देवता की पूजा, मनाई नाग पंचमी। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की पुराने संसद भवन से प्रतिमा हटाए जाने का अंबेडकरवादी संगठनों द्वारा विरोध करते हुए शुक्रवार को द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है पुराने संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा को यथावत स्थापित किया जाए। उन्होंने मांग की है कि शीघ्र प्रतिमा पुराने संसद भवन में पूर्ववत स्थापित की जाए, नहीं तो अंबेडकर अनुयायी आंदोलन करने बाध्य होंगे। नरेंद्र मिश्रा, संसद भवन में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा कई वर्षों से स्थापित थी और जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान संसद भवन उसी संसद भवन में लागू हुआ और वर्तमान में ऐसे मनुवादी सोच के नेताओं ने वहाँ स्थापित बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को हटा दिया गया है, जिससे मूल निवासी जो भारत के हैं, बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, उनको बड़ी उनके मन में बड़ा आहत हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम यह चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा वहाँ पुनः स्थापित हो और इसी कार्यक्रम को लेकर के आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। जिला आदिवासी समाज के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ 9 अगस्त को शहर मुख्यालय सहित जिले भर में मनाया गया। इस अवसर पर शहर मुख्यालय में रानी दुर्गावती चौक से विशाल रैली निकाली गई, जो शहर के अंबेडकर चौक, हनुमान चौक, महावीर चौक से राजघाट चौक होते हुए काली पुतली चौक से अंबेडकर चौक तुरकर भवन पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान तुरकर भवन में मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रैली के दौरान आदिवासी समाज की महिलाएं व पुरुष सहित युवक युवतियों ने शहर के प्रमुख चौक हनुमान चौक, काली पुतली चौक व अंबेडकर चौक में आदिवासी गीतों पर सामूहिक रूप से रैला फाटा नृत्य व आदिवासी नृत्य कर सभी को आनंदित कर दिया। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शुक्रवार को जिला मुख्यालय सहित तहसील व ग्रामीण अंचलों में नाग पंचमी का पर्व विधि विधान के साथ भक्तिमय माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर नाग मंदिरों में नाग देवता की पूजा अर्चना कर आरती व महाप्रसाद का वितरण किया गया। इसी कड़ी में शहर के बस स्टैंड समीप स्थित प्राचीन नाग मंदिर में नाग पंचमी व्रत धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सुबह नाग देवता का दूध से अभिषेक किया गया व सर्पी बारी वालों के द्वारा मंत्रोच्चार व दोहा गाकर नाग देवता का आह्वान किया गया। तत्पश्चात आरती कर भंडारे का वितरण किया गया। सावन के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नाग पंचमी के अवसर पर शहर के चौरसिया समाज द्वारा स्थानीय काली पुतली चौक स्थित सिद्धपीठ हनुमान मंदिर नाग पंचमी व चौरसिया दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सामूहिक रूप से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर भगवान शिव व नाग देवता की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात महिला मंडल द्वारा सुंदर कांड किया गया। इस अवसर पर समाज के द्वारा पौधारोपण किया गया और सामाजिक बंधुओं का सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया। इस दौरान चौरसिया समाज के लोगों ने एक दूसरे से मिलकर चौरसिया दिवस की बधाइयां दी। बालाघाट शहर में चौरसिया समाज द्वारा नाग पंचमी चौरसिया दिवस के कार्यक्रम का आयोजन काली पुतली चौक हनुमान मंदिर में किया गया है। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जा रहा है पूरे समाज के सभी लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से। उसके बाद में महिला मंडल द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा और सामूहिक रूप से समाज के वृक्षारोपण समाज के द्वारा किया जाएगा।
पेरिस में आयोजित विश्व ओलंपिक 2024 में शामिल भारतीय हॉकी टीम द्वारा कांस्य पदक जीतने पर शुक्रवार को जिला मुख्यालय में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब द्वारा महात्मा गांधी स्कूल के निर्माणाधीन टर्फ ग्राउंड में जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गईं और एक दूसरे को बधाइयां दी गईं। इस अवसर पर नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी ने देशवासियों को हॉकी की इस जीत की बधाई देते हुए कहा कि शीघ्र ही बालाघाट में हॉकी का शानदार टूर्नामेंट कराया जाएगा, जिसमें भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। हमारा राष्ट्रीय खेल आज इस मुकाम पे है, इसके लिए मैं सभी हिंदुस्तान वासियों को धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे एक खिलाड़ी का लॉस होने के बाद भी हमारी टीम ने थर्ड पोजीशन लाई। इसके लिए सभी टीम को और बालाघाट वासियों को बहुत बहुत बधाई। ये आयाम लगातार निरंतर चलता रहे, साथ ही साथ हमारा ग्राउंड जिसके लिए बालाघाट बहुत समय से प्यासा है वो जल्द से जल्द हमको हैंडओवर हो जाए, तो इसका ऐसा एक उद्घाटन करके शुभारंभ करके प्रस्तुत करना है। बस मेरी यही एक इच्छा है, उसके लिए मैं पूरा तन मन से समर्पित हूँ।